की एक देश प्रेम भरी सुंदर कविता है मातृभूमि। इस कविता में कवि मातृभूमि को ईश्वर का प्रतिरूप मानकर करता है। कवि कहते हैं, इस हरी भरी तट पर आकाश रूपी नीला वस्त्र सुंदर रहा है। सूर्य और चंद्र मातृभूमि की मुकुट है। दिन के समय सूर्य और रात के समय चंद्र मातृभूमि की मुकुट है। समुद्र उसके कर्दने है। नदियां देशवासियों के प्रति प्रेम प्रवाह है। फूल और तारे उनकी आभूषण है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना कर हे। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना कर हे। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। नदियों प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। नदियों प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। बंदी शंखक वृत्त शेषवन सिंहासन है। बंदी शंखक वृत्त शेषवन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। करते अभिषेक पयोध हे बलिहारी स्पेश के। करते अभिषेक पयोध हे बलिहारी स्पेश के। हे मातृभूमि तू सत्य हे सगुण मूर्ति सर्वेश के। हे मातृभूमि तू सत्य हे सगुण मूर्ति सर्वेश के। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर हे। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हार्दिक की स्वतंत्रता प्राप्ति की वेणा में नेहरू जी का दिया भाषण तुमने पढ़ा है क्या? नहीं, वह भाषण मेरी हिंदी पुस्तक में है। हम वह पढ़कर बहुत पुलकित हो उठा। मैंने भी उस भाषण के बारे में बहुत सुना है। मैं पुस्तक तुझे दूंगा। तो मैं वह भाषण जरूर पढ़ूंगा। अब मैं जाती हूँ, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? जरूर, क्या है? मेरे पास एक पत्र है। कैसा पत्र? मेरी बेटी के नाम लिख एक पत्र है। मुझे क्या करना है? मेरी बेटी दिल्ली की कैद में है, यह पत्र उसको पहुंचा दे। मैं कोशिश करूँगा। किसी भी प्रकार तुम यह पत्र वहां पहुंचाना। जी साहब, धन्यवाद। हे कलहर,
अंदीप सम्राट बहादुर शाह सबर के चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने जा रही हूँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह सबर को कैदी बनाकर रंगून भेज गया। उनकी बड़ी बेटी दिल्ली में अग्रसर होंगे कैद में दा अपनी बेटी को कद उन्होंने बार बार पढ़ाया। कद पढ़कर उनकी आंखों से आंसू बहती है। अग्रसी सत्ता के कैद में किसी दूर देश में रहने पर भी उनके मन में अपने देश और परिवार वालों के प्रति अगाध प्रेम था। अपनी जनता के बारे में सोचकर वह रोती हैं। उनको अपने दिल्ली वासियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति था। बेटी के नाम पर लिखी गई कथ में वह अपने देश की हालत का जिक्र भी करती हैं। वे एक आदर्श देश प्रेमी एक प्यारी पिता दें। कौसो दूर की कैद में रहकर भी उसका मन अपने परिवार वालों एक दिल्ली वासियों के प्रति व्याकुल दें। 17 दिसंबर 1862 को कैद खाने में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस प्रकार वे देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। धन्यवाद। क्या करे राह देखे नजर रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई कहे आते मगर इस बार तुम ही आना ये राते फिर सजाने के नहीं लाना तुम ही आना। मेरी दहलीस से होकर बहारे जब गुजरती है यहाँ क्या धूप क्या जाऊं हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल की जिए जाना। बहुत आए गए हाथे मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है करो
सदाओं का जुनो क्या कहना चाहती है, तुम आओगे मुझे मिल दे खबर ये भी तुम ही आना, बहुत आई गए हदे मगर इस बार तुम ही आना। भारतवासियों, कई वर्षों पहले हमने मोदी को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाइए। पूरी तरह न सकी, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण है इतिहास में बहुत ही कम आता है जब हम पुराने को छोड़े नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ बुद्ध को भारत और उसके जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंधकीर गोच प्रारंभ की और न जाने कितनी ही साथियां उसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा व्यक्ति हो या बुरा, भारत ने सभी इस गोच से अपनी दृष्टि नहीं घटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं फूला जिसने इस शक्ति थी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः बुद्ध को गोच पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह मगज एक कदम ही नए अवसरों के घुलने का, इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमता है कि हम इस अवसर को समझे और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करने या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिससे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ है लोगों, करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यह महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंगों से आंसू मिट जाइए, शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंगों में आंसू है और वे पीड़ित है तब तक हमारा काम गदम नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को सागर कर सके। वे सपनों भारत के लिए ही पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है। आज कई गुदों के बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्रों और लोगों एक दूसरों से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इस तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, स्मृति भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करने ही जहां उसके सारे बच्चे रख सके। जय हिंद।